आज का सवाल है बिजनेस रजिस्ट्रेशन कैसे करें, बिजनेस के लिए पंजीकरण कैसे कराएं। अगर आप सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं वेबसाइट हिंदी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी के इस दौर में खुद का कारोबार करना अधिक मुनासिब हो सकता है। नौकरी में जहां दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं खुद बिजनेस में व्यक्ति खुद की मर्जी के मालिक होते हैं। कारोबार शुरू करने से पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। जब भी किसी कारोबार को शुरू किया जाता है तो उसकी जानकारी सरकार को देना आवश्यक होता है। यह जरूरी इसलिए भी है ताकि वह सरकार के लिस्ट में शामिल हो सके, यानी सरकारी कार्यालय को जानकारी मिल सके। इससे कारोबारी और सरकार दोनों को सहूलियत होती है। कारोबारी को जहां सरकार द्वारा चलाई जा रही कारोबार की स्कीम का फायदा मिलता है, वहीं सरकार को टैक्स वसूल करने में मदद मिलती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, तो आपको बता दूं, कई बार कारोबार शुरू करने वाले लोग इस बात से घबराने लगते हैं कि बिजनेस के रजिस्ट्रेशन करने के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी या बहुत से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। अब बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो गया है। लघु उद्योग का बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि बिजनेस के लिए कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। दोस्तों, सबसे पहले जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो इस प्रकार है। जिला उद्योग कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना, सबसे पहले आपको जिला उद्योग कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद निगम लाइसेंस प्राप्त करना होता है। उसके बाद सेफ्टी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से NOC लेना होता है। उसके बाद फैक्ट्री कारोबार लाइसेंस प्राप्त करना होता है। उसके बाद आप अपने टर्नओवर के अनुसार GST रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रकार डिटेल में। जिला उद्योग कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना, किसी भी लघु उद्योग को शुरू करने से पहले संबंधित जिला उद्योग कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिला उद्योग कार्यालय में लघु उद्योग का रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब होता है आपने सरकार को बता दिया है कि आप स्वरोजगार कर रहे हैं, यानी कि आप बेरोजगार नहीं हैं। जिला उद्योग दफ्तर में अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ तुरंत मिलता है। जिला उद्योग कार्यालय में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए निम्न प्रकार के कागजातों की जरूरत पड़ती है, जो इस प्रकार है: आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, जहाँ कारोबार शुरू कर रहे हैं उस जगह का नाम और प्रूफ चाहिए। उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र देना होता है, यानी कि आपका कमाई कितना है। निगम लाइसेंस, निगम लाइसेंस बनता है जिला उद्योग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद। कारोबार शुरू करने के लिए सबसे पहले बनने वाले लाइसेंस को निगम लाइसेंस कहते हैं। निगम से सर्टिफिकेट मिलने का मतलब होता है कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। निगम लाइसेंस के लिए आवेदन की बात करें तो इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। कई कारोबारियों का यह सवाल हो सकता है कि निगम लाइसेंस कहाँ से बनता है। इसका जवाब होगा, निगम लाइसेंस नगर निगम, विकास प्राधिकरण या जिला उद्योग कार्यालय में बनता है। यह लाइसेंस इस बात पर बनता है कि आप जो लघु उद्योग शुरू करने जा रहे हैं उसमें किस चीज़ का सर्विस होगी या मैन्युफैक्चरिंग होगी या कौन सी मशीन लगाई जाएगी इत्यादि के बारे में जानकारी देना होता है। निगम लाइसेंस पाने के लिए निम्न प्रकार के कागजातों की जरूरत होती है, जो इस प्रकार है: सबसे पहले जिला उद्योग कार्यालय में रजिस्ट्रेशन की कॉपी, जहाँ लघु उद्योग शुरू होगा उसके मालिकाना हक की कॉपी, अगर आप रेंट पर आ रहे हैं तो रेंट की कॉपी लगेगा, लघु उद्योग के प्लान की कॉपी लगेगा जिसमें जिस मशीनों का उपयोग किया जाएगा उसका नाम और डिटेल दिया रहता है। इसके बाद जो लाइसेंस का फीस लगेगा उसको आपको देना पड़ेगा। इसलिए यह ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करें उसमें जगह इंडस्ट्रियल एरिया में हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। सेफ्टी डिपार्टमेंट से NOC प्राप्त करना, किसी भी लघु उद्योग में जो लोग काम करते हैं उनकी सुरक्षा सर्वप्रथम होती है। सरकार ने कामगार की सुरक्षा के लिए इस सुरक्षा व्यवस्था को लागू किया है। किसी भी कारोबार को शुरू करने के 3 महीने के भीतर फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से नॉन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। NOC लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपने लघु उद्योग में आग से बचाने के उपाय के बारे में बताना होता है। इसमें आग बुझाने वाली मशीनों की संख्या को दिखाना होता है। लघु उद्योग के लिए लाइसेंस हासिल करना, बिजनेस लाइसेंस कैसे बनवाए के क्रम में यह जानना सबसे जरूरी है कि बिजनेस लाइसेंस किसे कहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिजनेस लाइसेंस को चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का लाइसेंस भी कहा जाता है। बिजनेस लाइसेंस को संबंधित जिले का लेबर डिपार्टमेंट जारी करता है। इस लाइसेंस के बिना लघु उद्योग शुरू किया जा सकता है, लेकिन अधिक दिन तक नहीं चलाया जा सकता है। इस लाइसेंस को पाने के लिए संबंधित कारोबारी को अपने कारोबार की पूरी प्रोफाइल डिपार्टमेंट को दिखाने की जरूरत पड़ती है।
आपके मन में यह भी सवाल होगा कि फैक्ट्री लाइसेंस पाने के लिए कौन कौन सी कागजातों की जरूरत पड़ती है। तो आपको बता दूं, फैक्ट्री लाइसेंस पाने के लिए कागजातों की जरूरत पड़ती है जो इस प्रकार है। नगर निगम का लाइसेंस, इन्वायरमेंट कंसेप्ट कॉपी, इसे पर्यावरण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यह लिखा होता है कि शुरू किए जा रहे लघु उद्योग से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। लघु उद्योग लेआउट प्लान की कॉपी, फायर डिपार्टमेंट का NOC, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का चार्ट, कर्मचारियों की संख्या और प्रोफाइल वेतन आदि का विवरण। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट के लिए फीस जमा करना होता है। इसके बाद में आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है GST रजिस्ट्रेशन कराना। जब GST व्यवस्था लागू नहीं की गई थी, तब सरकार को टैक्स वसूल करने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, लेकिन GST लागू होने के टैक्स की एक व्यवस्था हो गई। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार GST रजिस्ट्रेशन कराना उन्हीं कारोबार के लिए जरूरत होती है जिन बिजनेस में सालाना टर्नओवर 40 लाख से अधिक होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी डिटेल जारी कर दिया है। अगर आप चाहते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वेबसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।